में जो मेला था सब ढुल गए हैं पानी में। लाइक करते बोलिए यहाँ पर बचाओ। अभी फ्रेंड जंप करने वाला है तो देखिए भाई, बहुत ही प्यारा सा जंप दिया हमारा फ्रेंड ने। सो हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो कमेंट कर देना। सो फिर से आ गया मैं एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का नया ब्लॉग में देख ही सकते हैं मेरा साथ अभी गमछा है, गमछा का साथ इधर नूडल्स भी खरीदा है। इसको मेरा जिगरी यार जानेमन मेरा बेस्ट फ्रेंड विष्णु नाम का जो फ्रेंड है उसने खरीद के दिया है। हमारा इधर शांति मोड़ का साइड में एक ऐसा देख ही सकते हो खुला खुला ग्राउंड टाइप कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधा इधर एक भूतिया बंगला है। आज मैं बहुत दिनों के बाद निकल चुका हूँ, मतलब निकल पड़ा हूँ मैं और मेरा फ्रेंड, और आज मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो है हमारा इधर का लोकल डेंजरस वाला स्विमिंग पूल जिसको बोला जाता है, और वहीं पर हम लोग आज आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलने से ऐसे लगभग 4 साल के बाद हम लोग आज नहाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले नहाने के लिए मौका ही नहीं मिला था, और मेरा फ्रेंड भी थोड़ा बहुत बिजी था, हम भी बिजी था इसलिए जा नहीं पाया था, और बड़ा भी हो चुके हैं ना इसलिए जाने का उतना मज़ा भी नहीं, मतलब मन भी नहीं आता था। सो आज क्यों ना उधर जाने से एक वीडियो भी बनेगा और हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो इसी उद्देश्य में हम लोग अभी निकल चुके हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलिएगा, और आप लोग अगर फेसबुक से देखने से प्लीज़ फॉलो का बटन को प्रेस करके लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सो वीडियो में बने रहे और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। सो गाइस अभी तो हम लोग साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, और जाते जाते देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है, और इधर में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर तो हम लोग का इधर बरखा का सीज़न चल रहा है। सो देख ही सकते इधर कितना ही कीचड़ है, बहुत ही कीचड़। साइकिल सही है, साइकिल लेके आना सही है, लेकिन इधर अगर बाइक लेके आओ तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए हमको साइकिल चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेता है क्योंकि हम लोग इधर का ही है ना। तो ऐसे जैसे तैसे जा रहे, हमारा साथ में आज मेरा जिगरी फ्रेंड जाने माने यार विष्णु चला आया है। सो ये तो कैसे हैं आप सब लोग कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए हम लोग बहुत देरों के बाद इधर नहाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये यहाँ का तालाब कुछ इस तरह का है हमारा लोकल स्विमिंग पूल, और इधर भाई लोग फ्रेंड लोग नहा रहे हैं। सो हम भी आज नहा के थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे। और देखिए गांव का टॉप मॉडलिस्ट और टॉप हीरो दो बंदा इधर है, और इधर एक छोटू उधर नहा रहे, और यहां पर भी एक छोटू है, ये भी छोटू है, और ये नहा हम लोग नहाएंगे बोल के देखने के लिए आया है। देख ही सकते हो साइकिल चलाते हुए बहुत ही प्यारा सा स्माइल है इसका। अभी फ्रेंड जंप करने वाला है तो देखिए भाई, बहुत ही प्यारा सा जंप दिया हमारा फ्रेंड ने, देख सकते हो गाइस हमारा लोकल बंदे लोग का बहुत ही बढ़िया सा टैलेंट है। तो हमारा यहाँ का तालाब कुछ इस तरह का है, और इधर देखिए नंबर चाहिए 9 डबल 3 4 1 5 3 8 7। यहाँ पर देखिए तालाब कुछ इस तरह का है, दिखाओ भाई, देखिए देख ही सकते हैं यहाँ पर भाई साहब स्विमिंग करते हुए। और यहाँ का जो रोड था ये बहुत बड़ा था, लेकिन पानी के वजह से देख ही सकते कितना छोटा रोड हो चुका है यहाँ पर। तो देख ही सकते स्विमिंग करते हुए इधर दो छोटू है डुबकी लगाते हुए, और एक बंदा तो इधर कहाँ गया ये रहा देख ही सकते हो। और यहाँ पर थकते हुए आ रहा है पैदल, और देखिए यहाँ पर यहाँ से जादू पैदा होते जा रहे। सो ये भाई साहब को देख ही सकते इधर स्विमिंग करते हुए जादू। लाइक करते बोलिए, यहाँ पर हम डूब चुके हैं जो कि बहुत गहरा पानी है यहाँ पर, आप लोग नहा नहीं पाएंगे, बहुत ही ज्यादा गड्ढा है, आप लोग बचाओ बचाओ बचाओ। सभी हम भी नहाने जा रहे बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम 4 साल के बाद, हम लोग अभी दो बंदा एक साथ एक्सपीरियंस लेने जा रहे। देखिए तो हम तैर नहीं पा रहे।
गाइस फाइनली मैं तो नहा लिया। नहाने के बाद अभी इधर ही रेस्ट कर रहा है। सो मेरा फ्रेंड्स देख सकते हो उधर नहा रहे, भाई लोग भी नहा रहे, मतलब बच्चों जैसा हरकत कर रहा था एकदम। बहुत घबराहट सा हो रहा था मुझे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे नहा लिया। और ये भाई को देखिए, भाई तुम्हारा नाम क्या है बोल दे। ओए छोटू, तो ये देखिए ये भाई तो बहुत देर से नहा रहा था। सो हम भी नहाया, नहाने के बाद मजा आ रहा। और देखिए हमारा विष्णु नाम का फ्रेंड पानी में खेलते हुए, बचपन वाला हरकत। सो गाइस हमने आफ्टर लॉन्ग टाइम नहाया, मस्ती किया। मस्ती तो क्या करूँ हम लोग, कर दो भाई एक। भाई तुमको आज आफ्टर लॉन्ग टाइम नहाने के बाद कैसा वाला एक्सपीरियंस लग रहा है बोलो? मत बोल, ऐसा फीलिंग है कि मन में जो मेला था सब धुल गया है पानी में। अरे भाई साहब क्या ही बोलते हो यार तुम। हम तो भाई बचपन वाला हरकत कर रहा था, कुछ आता नहीं वैसा वाला। मेरा अभी का जो सिचुएशन था वैसा था, लेकिन जैसे तैसे वो चला गया। मतलब जो जब नहा रहा था वो टाइम चला गया। अभी घर जा रहे नहा धोने, नहा धो के मतलब फ्रेंड्स लोग आया था, भाई साहब आया था, अभी भी नहा रहे थे। और हम लोग, हमको तो ठंड लग रहा था क्योंकि अभी अभी कितना बज रहा है, 5 बजने वाला है, मतलब 5 बज जा रहा है। सो इसीलिए हम लोग घर जा रहे, ज़्यादा नहाने से तो बुखार आएगा शायद, मेरे को लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरे को बुखार आएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मतलब 4 साल के बाद नहा रहे। सो देखा जाएगा जो होगा। इधर देखिए घर जाने का टाइम में रोड का साइड में इधर खेती बाड़ी, इधर भी खेती बाड़ी, इधर धान का खेत किया हुआ है और इधर सिमी क्या पोटल सोटल क्या क्या बोलते हैं वो लगाया हुआ है। और इधर हल्दी मतलब हल्दी बोलते हैं ना, रंग कलर उसी का खेती है, खेती बाड़ी है। सो इधर ही ऐसा कुछ है, काऊ वगैरह बहुत है। इधर एक पेड़ है, इधर मेरा फ्रेंड घर जा रहा है मतलब साइकिल चल रहा है, हम तो पैदल जा रहे साइकिल होते हुए भी। और देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। सो गाइस ये वीडियो कैसा रहा कैसा नहीं आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फिर से मुलाकात होगा ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए। सो फिर से मुलाकात होगा अगले वीडियो पे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।